अच्छे किताब और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। सो हेलो गाइस, मेरा तो ना सिद्धू, आप देख रहे हैं आपका चैनल जोटू सर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना देखिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ एंड एलसीएम हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, है ना। तो ये तो मामूली से बात है, तो निकाल लेते हैं। तो 26 एंड 91 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो 26 का पहले फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो 2 1 जै 2, 2 3 जै 6, देन 13 को 13 से कटेंगे, 13 1 जै। देन अभी 91 का फैक्टर निकालते हैं, 91 को किससे कटा सकते हैं, 91 को किससे कटा सकते हैं, 91 को कम 26 का फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 26 का फैक्टर 2 इंटू 13, और इधर 91 का फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 7 इंटू 13, है ना। तो देखो 26 है 2 13, 91 का 7 13। ओके, तो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ इन दोनों का क्या, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, जो कॉमन है ना, जो कॉमन है और जो मतलब हाईएस्ट होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ 13 एक बार, यहाँ पे 13 एक बार, है ना। तो 13 एक बार हमारा इन दोनों में कॉमन है, तो वही 13 हमारा एचसीएफ है ना। अभी एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लेंगे, है ना, और जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मतलब एलसीएम कहता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, है ना। मतलब प्रोडक्ट ऑफ हाइस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, है ना। देखो इधर 13 का पावर 1, इधर भी 13 का पावर 1, है ना। तो मतलब कौन, मतलब इन ये दोनों कॉमन है ना, इनका प्रोडक्ट हाइस्ट का हाइस्ट कितना है, 13 का पावर 1 ये, मतलब 13 ये, है ना। और क्या है, 7 इंटू 2, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन कॉमन फैक्टर, है ना, 7 इंटू 2। तो देखो एलसीएम क्या होगा अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, करो मल्टीप्लाई करो, 13 और इधर 7 2 जा 14, तो 4 3 जा 12, 1 5 3 जा 1 1 2 8। तो देखो इसका एलसीएम आ रहा है 1 2 8, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए कहा था, हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल दिए, है ना। उसके बाद कहा है वेरीफाई दैट ये, ओके ये फॉर्मूला को हमें वेरीफाई करना है। ओके तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो एलएचएस है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एलएचएस में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके एलएचएस में हमारा क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13। ओके फिर आरएचएस में देखते हैं, आरएचएस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास दो नंबर क्या किया था, 26 और 91, है ना। तो 26 इंटू 91, तो अभी देखो अभी एलएचएस में इस 182 इंटू 13, 182 इंटू 13 को सॉल्व करो कितना आ रहा है, 182 इंटू 13, 3 2 जै 6, 8 3 जै 24, 2 3 1 जै 5, अभी 2 8 1, तो 6 4 2 जै 6, 3 2। तो देखो 182 इंटू 13 2 3 6 6 आ रहा है। ओके एलएचएस में 2 3 6 6, और आरएचएस में, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 2 3 6 6 आ रहा है। ओके तो देखो एलएचएस में जितना आ रहा है आरएचएस में उतना आ रहा है ना। और हमें क्वेश्चन क्या कहा था, देखो एलएचएस में एलसीएम इंटू एचसीएफ कहा था, है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा इतना आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी हमारा इतना आ रहा है ना। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब ये प्रूव हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड हम कर दिए, है ना, वेरीफाई हो गया। एलएचएस में जो था वो आरएचएस के साथ इक्वल हो गया। दूसरा वाला पार्ट करते हैं, इसमें क्या कहा है, 510 और 92, है ना, इसका भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है पैरेलल को जैसे कि। ओके तो देखो 510 है ना, पहले 510 इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये कटेगा 2 2 जै 4, 1 2 5 जै 10, 2 5 जै 10, फिर ये कटेगा 5 से 5 5 जै 25, 5 1 जै 5, देन ये कटेगा 3 1 जै 3, 3 7 जै 21, देन ये कटेगा 17 1 जै 17। ओके
देन 92, 92 क्या किसमें कटेगा, 2 से 2 फोर जा 8 एंड 1 टू 12, 2 6 जा 12 देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 देन 23, 23 1 जा 23। ओके तो देखो 510 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ओके और 92 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23 है ना। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है जो कॉमन मिल रहा है ना, हाइस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है, यानी इधर भी एक 2 है, इधर भी एक 2 है, यानी हमारा कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 है ना। तो 2 हमारा एचसीएफ। देन एलसीएम, एलसीएम क्या है, जो हमारा कॉमन हो गया है ना, जो हमारा कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लेंगे, और जो हमारा नॉन कॉमन फैक्टर है उनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो इधर 2 इंटू 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इधर भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, 5 इंटू 3 इंटू 17। ओके ये हो गया, ये एलसीएम हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ओके एलसीएम हो गया, तो देखो एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया। ओके फिर अभी हमें क्या कहा है, हम इसको वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो एलएचएस साइड में क्या है हमारे पास, एलएचएस में हमारे पास क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारा, एलसीएम हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, 3 इंटू 17, 3 इंटू 17, देन ये रहा हमारा एलसीएम। देन एचसीएफ क्या है, इंटू 2 है ना, एच इंटू एचसीएफ क्या है, 2। ओके ये रहा एल मतलब एलएचएस, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी आरएचएस, आरएचएस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 510 इंटू 510 और 92 का प्रोडक्ट है ना। ओके तो देखो आरएचएस में 510 का प्रोडक्ट, देखो अगर आप एलएचएस को इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके और अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे इसका जितना आएगा, ओके हम मल्टीप्लाई करते हैं बाद में। ओके पहले देखो, देखो 510 इंटू 92 है ना, तो 510 का फैक्टर क्या क्या थे, 2537। ओके तो 510 का हम इसका फैक्टर में लिख लेते हैं। ओके 510 को 2537 है ना, 2537 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ओके इंटू 92 का फैक्टर क्या क्या था, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 23 है ना। देखो अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 92 ही आएगा। ओके तो इसको इसके इससे लिख दिया और इसको इसके लिख दिया। ओके तो देखो आरएचएस में हमें ये मिल गया है ना, और एलएचएस में क्या था, ये था। तो अभी देखो एलएचएस और आरएचएस को मतलब देखो कि इक्वल हो रहे हैं या नहीं है ना, हमें इक्वली प्रूव करना है। तो देख लेते हैं इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, देन यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है। ओके देन यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है। ओके तो 3 2 से 3 2 कैंसिल। ओके मतलब इक्वल हो रहे हैं। ओके और यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 17, यहाँ एक 17, यहाँ एक 23, यहाँ एक 23 है ना। तो देखो सारी की सारी इक्वल हो रहे हैं ना, इधर मतलब एलएचएस में जो होते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ में जो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी आरएचएस में भी वही सेम नंबर ही है ना। इसका मतलब क्या है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है ना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हम वेरीफाई कर दिए। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका जो वैल्यू है ना वो लिख सकते हो, और इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसको जो वैल्यू करोगे वो भी लिख सकते हो। ओके तो जो वैल्यू आएगा उन इन दोनों के बीच वो इक्वली आएंगे है ना। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। तो देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या कहा है, 336 एंड 54 है ना, तो इसका भी निकाल लेते हैं 336। ओके देखो अब इसके पहले इसका जो पहले वाला और दूसरा वाला कर चुके हो है ना, समझा चुका हूँ, तो आप ये खुद भी कर सकते हो। ओके आप खुद भी ट्राई करो ना, खुद भी कर सकते हो। ओके लेकिन मैं करवा देता हूँ, ओके जल्द जल्दी में। तो 336 का क्या हो सकता है, 3 से कटा हुआ 3 1 3 1, 3 2 जे इसको 2 5 जे 10, 2 6 जे 12 और इसको 2 2 जे 4, 2 8 जे 16, 2 1 जे 2 4 जे और 2 7 जे और 7 1 जे है ना। अभी 54, 54 का फिर निकाल लेते हैं, 2 2 जे 4, 2 7 जे 14 और ये 3 9 जे 27, 3 3 जे 9, 3 1 जे 3 है ना। तो देखो 336 का, 336 का फैक्टर क्या क्या है, 3 इंटू 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 इंटू में 7 है ना। अभी 54 का फैक्टर क्या क्या है, 54 2 इंटू 3 कितना है, 3 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके तो देखो
हमें इससे एचसीएफ निकाल लेते हैं। ओके, एचसीएफ क्या होता है? हाइस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो देखो इधर एक 3 है और इधर भी एक 3 है, इधर एक 2 है, इधर भी एक 2 है, और कुछ कॉमन है क्या? इधर एक 7, इधर 7 है क्या? नहीं है, यहाँ पे 3 एक ही है ना, और इधर भी 3 बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन क्या है? सिर्फ एक ही एक है ना। तो 3 × 2, इधर 3 × 2 है ना। तो देखो 3 × 2, 3 × 2 कॉमन मिल रहा है, एंड एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 3 × 2, यानी इसका सॉल्व कर दोगे तो इतना आ जाएगा, है ना। फिर एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो इधर 2 क्या है, 2 सिर्फ एक ही है, और 3 का पावर 3 है ना, और इधर 2 कितना है, और इधर 3 का 3 सिर्फ एक ही है, 2 का पावर 4 है ना, 2 का पावर 4 × 7। तो देखो देखो जिसका पावर ज़्यादा होता है उसका हम लेते हैं ना, अगर कॉमन है ना, इधर भी 2 है, इधर भी 2 कॉमन है ना, तो हम इसमें कौन सा किसको लेंगे? जिसका पावर ज़्यादा होता है। तो देखो इधर 3 है और इधर भी 3 है, लेकिन बड़ा कौन है? 3 का पावर 3 है ना, तो 3 का पावर 3 को लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ओके, फिर इधर 2 है, इधर 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 को लेंगे, क्योंकि 2 का पावर 4 वो बड़ा है ना, तो इसको कटा देंगे, मतलब हो गया। अभी क्या बचा? × 7। ओके, देखो एचसीएफ हो गया इतना, एलसीएम हो गया इतना। ओके, अगर अब इसको सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा। ओके, इसके बाद हमें इसको प्रूव करना है, एलसीएम इंटू एचसीएम। तो एलएचएस में एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? ये है एलसीएम क्या है? 3 का पावर 3, 2 का पावर 4 × 7 इंटू एचसीएफ क्या है? 6 है ना। एलएचएस में एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। देन आरएचएस में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 336 इंटू में 54। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 18144। ओके, और इधर भी इसका आंसर आएगा 18144, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वेरी वेरी।